Alright, hey guys and what's up everybody, it's Devesh back it again with a fresh video. So, आज हम करवाने वाले हैं Advertising, Personal Selling and Salesmanship की Unit Number 2nd और Unit 2nd का Chapter Number भी आज हम करवाएंगे 2nd जिसका नाम है Creative Strategy. तो आज हम Creative Strategy को Start कराएंगे. उससे पहले मैं Chapter को Start कराऊं, उससे पहले आपको बता दूं, किसी को भी अगर Notes Purchase करने हैं तो Notes Ready हो चुके हैं, उसका Contact Number आपको Description में मिल जाएगा. Description से जाके Contact कर सकते हो WhatsApp पे, नहीं तो Contact Number आपको ऊपर भी दिख रहा होगा. Notes अगर आपको Purchase करने है तो हैंड रिटन नोट्स है, इजीली नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे. और अगर किसी ने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक यूनिट 1, 2, 3 सारी यूनिट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो. एक एक करके चैप्टर वाइज सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ चैनल एक्सप्लेन पे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. हमने देखा जैसे कि चैप्टर नंबर हम आ गए हैं सेकंड पे यूनिट टू का चैप्टर सेकंड है क्रिएटिव स्ट्रेटजी. तो देखो एडवर्टीजमेंट हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी. तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिएटिविटी क्या होती है, और क्रिएटिविटी को बताने के लिए मैंने यूनिट 1 का चैप्टर 4 बनाया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में पहले उसको देख लेना, सारा समझ आ जाएगा क्रिएटिविटी होती क्या है. क्रिएटिविटी के बाद आप पढ़ते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी. तो देखो स्ट्रेटजी क्या होती है, हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से ऑडियंस तक दिखाना है. सपोज करते हैं मेरे पास अभी ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं लोगों तक बेचना चाहता हूँ या लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ. सिंपल स्ट्रेटजी है कि मैं जाके लोगों को पूछ कर उसको बेचूं, या फिर दूसरा तरीका मैं इसके लिए कोई एड बनाऊं, एक एक्टर को हायर करूं, उसके लिए पेड करूं एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, स्पॉन्सरशिप लूं, और काफी सारे तरीके हैं. और फिर उसको एक विजुअलाइजेशन वाली इफेक्ट वाली एड बनाऊं और एड बना के इस पेन को बेचूं, तब ये थोड़ा शायद कूल या इंटरेस्टिंग लगे आपको, ठीक है. तो इसीलिए हम पढ़ेंगे क्रिएटिव स्ट्रेटजी, क्योंकि यहां पर आप लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे आप पार्ले का बिस्कुट खरीदते हो, चाहे आप परफ्यूम खरीदते हो, चाहे आप कुछ भी खरीदते हो, हेयर कंडीशनर, कुछ भी जो भी आप खरीदते हो, उसके ऊपर आपने टैगलाइन जरूर देखी होगी, आपने हेडिंग जरूर देखी होगी, और किस तरह से वो इफेक्टेड सा बनाते हैं, एकदम मजे से आ जाता है देखने में उस पैकेट को जो भी आप खरीदते हो. जैसे कि मान लो अमेजोन से आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हो, तो मोबाइल फोन का जो ऊपर लोगो होता है वो कितना अट्रैक्टिव होता है, देखने से पता चल जाता है कि भाई इतना मस्त मोबाइल है. तो बस यही चीज है, यही छोटी छोटी स्ट्रेटजी है जो एक प्रोडक्ट को क्रिएटिव बनाती है और लोगों के अंदर एक लालसा पैदा करती है कि उस चीज को तो खरीदना ही चाहिए. तो यही छोटी छोटी स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी. समझ आ गया? तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ. पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में लिखा है यहाँ पे क्रिएटिंग प्रिंट एडवर्टाइजिंग. आप जब एडवर्टाइजिंग करवाते हो तो उस पर कौन कौन से प्रिंट आपको मेंशन करने होते हैं, क्या क्या चीजें आप डालते हो, वो छोटा सा मैं एक बेस बताने वाला हूँ, इसी के ऊपर चैप्टर पूरा चलेगा. तो पहली चीज यहाँ पे लिखा है द फॉर्मेट एलिमेंट्स इज द प्रिंट एडवर्टाइजिंग. कह रहा है वो फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो भी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट कराते हैं उसके ऊपर जो लिखे होते हैं, ठीक है. अगर आप एक कोई मैं बोल सकता हूँ एक टॉफी मांग लो, जैसे कि टॉफी मान लेते हैं या चॉकलेट मान लेते हैं जिसका नाम है डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है उसका कलर देखो, काफी सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, ठीक है, उसके बाद उसका फॉन्ट जो डेयरी मिल्क लिखा रहता है वो कैसे अच्छे से फॉन्ट में लिखा रहता है, उसकी जो विजुअलाइज ग्राफिक्स है वो कैसे लिख रखी है उन्होंने बना रखी है, और जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट है चॉकलेट के ऊपर जो पन्नी है रैप जिससे कर रखा है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लोगों के दिमाग में एक तरह से मतलब चुभे वो जाके, ठीक है, कि इसको खरीदना है. तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को लेके यहाँ पे फॉर्मेट बनाया जाता है और एलिमेंट्स बनाए जाते हैं किसी भी चीज को प्रोडक्ट को बेचने के लिए. तो उसके लिए कुछ मेन एलिमेंट्स मैं बताऊंगा जो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. पहली चीज आती है हेडलाइन. हेडलाइन जैसे कि डेयरी मिल्क की हेडलाइन क्या है, डेयरी मिल्क, ठीक है. ये हेडलाइन जो है ना एक सुनते ही, जैसे कि मैं बोलूं KFC का बर्गर, मैकडोनल्ड्स का बर्गर, तो नाम सुनते ही मजा आ जाता है मैकडोनल्ड्स का बर्गर. इसी तरह से बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो आता है सब हेड. देखो सब हेड जरूरी नहीं है, हर प्रोडक्ट में ही होता है, कुछ प्रोडक्ट में होता है कुछ प्रोडक्ट में नहीं होता, ठीक है. सब हेड मतलब क्या होता है, जैसे डेयरी मिल्क लिखा उसके नीचे अगर आप लिखोगे कुछ मीठा हो जाए, आपने देखा होगा चॉकलेट्स के नीचे लिखा रहता है, ठीक है, कुछ मीठा हो जाए, वो क्या हो गया सब हेड हो जाता है उसका. और डेयरी मिल्क क्या है, हेडिंग और उसके नीचे छोटी सी जो लंबी सी लाइन होती है छोटी सी, फॉन्ट तो छोटा होता है मगर उसकी जो लाइन है ना वो ज्यादा लंबी होती है, कुछ मीठा हो जाए तो ये क्या होता है उसका सब हेड बोलते हैं उसको. अब बात करते हैं बॉडी कॉपी. बॉडी कॉपी मतलब क्या होता है, दो प्रोडक्ट पे सेम चीजें अगर पैम्पलेट लगा के बेच दिया जाएगा वो बॉडी कॉपी कहलाता है. इसी तरह से आता है आगे स्लोगन्स, उसके बाद आएगा सील, लोगोस. देखो हम बनेंगे स्लोगन,
काफी सारे प्रोडक्ट जो है वो स्लोगन का हवाला देकर अपने आप को बेचना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आशीर्वाद आटा, माँ की पहली पसंद, ठीक है, और भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो स्लोगन लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स के नीचे स्लोगन देके उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है। उसकी तरह यहाँ पे लिखा है सील्स, लोगोस। सील्स और लोगो क्या होते हैं? डेयरी मिल्क का एक अपना ही अलग सा लोगो होता है, जैसे BMW कार का एक अलग सा अपना लोगो है, ऑडी कार का अपना लोगो है, तो लोगो हो गया, सील हो गया, ये ब्रांड की पहचान के लिए बनाई जाती है, ठीक है। उसी तरह से नीचे सिग्नेचर, विजुअल एलिमेंट्स और लेआउट, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब जो मैंने डिफाइन करा था, थोड़ा सा नीचे आंखों की नजर डालते हैं, तो देखो हेडलाइन लिखा है, मैंने हेडलाइन को डिफाइन कर रखा है। उसके बाद लिखा है सब हेड्स, मैंने सब हेड को डिफाइन कर रखा है। एक एक करके ये ही जो पॉइंट है इन्हीं के ऊपर चैप्टर खत्म करेंगे, बस यही पॉइंट है पूरे चैप्टर में। तो अभी तो मैंने छोटे छोटे आपको बता दिया, अभी आते हैं ब्रीफ में पढ़ते हैं। पहला आता है हेडलाइंस, देखो नीचे पॉइंट है हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, द हेडिंग कंटेन्स द वर्ड इन द लीडिंग पोजिशन। कह रहा है हेडिंग जो है ऐसा वर्ड होता है जो एकदम बीच में लिखा जाता है किसी भी चीज के, ताकि फोकस उस वर्ड के ऊपर रहे, वो एकदम लीडिंग पोजिशन में होता है, ठीक है। आगे लिखा है ऑफ द एडवर्टाइजिंग, किसी भी एडवर्टाइजिंग के अंदर। कह रहा है दीज आर द वर्ड दैट आर रीड फर्स्ट एंड द पोजिशन विद द इंटेंट टू ड्रॉ द रीडर अटेंशन। यहाँ पे लिखा है ऐसा वर्ड जो कि बिल्कुल सामने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है और उसको देखते ही कस्टमर का या कंज्यूमर का जो अटेंशन है, आंखों का नजरिया देखने का है, वो उस वर्ड के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया कि इसी तरह से जो कंज्यूमर है, जो भी रीडर है, उसका अटेंशन उस चीज पे पड़ेगा, फोकस होगा, तो वो खरीदने की इच्छा करेगा। लिखा है द हेडलाइन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स। एक चीज और, अगर आप किसी भी चीज की हेडलाइन दे रहे हो तो हेडलाइन बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए, जैसे कि KFC, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, ठीक है, और काफी सारे एग्जाम्पल्स है, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, तो इन सबके जो नाम है ना, नाम सुनते ही लगता है हाँ समझ आ गया भाई किस चीज का नाम है, मैकडोनल्ड्स बर्गर की कंपनी, ठीक है। तो इसलिए हेडलाइन एकदम छोटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है हेडिंग। अब देखो नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ हेडिंग, हेडिंग बोल सकते हो या हेडलाइंस बोल सकते हो, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो इसको टोटल मेजर 4 टाइप्स ऑफ हेडलाइंस आर, टोटल 4 टाइप्स की हेडलाइंस में बांटा जाता है। पहली हेडलाइंस डायरेक्ट हेडलाइंस, ऐसी हेडलाइंस जो सीधा डायरेक्ट होती है। सेकेंड हेडलाइंस बेनिफिट्स हेडलाइंस, देखो बेनिफिट्स हेडलाइंस क्या होती है, अगर मान लो आपने कोई भी हेडलाइंस लिखी उसके पीछे एक मोटिव होता है, ठीक है, तो वो मोटिव समझना वो बेनिफिट हेडलाइन में आता है। उसके बाद लिखा है थर्ड न्यूज इन्फॉर्मेशन हेडलाइन, आपने न्यूज इन्फॉर्मेशन देखी होगी, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उनकी हेडलाइंस कैसे होती है, तो वो होते उस तरह की हेडलाइंस। फिर आता है इनडायरेक्ट हेडलाइंस, जो सीधा सीधा चीजों को नहीं समझाते हैं, जो घुमा फिरा के हेडलाइन देते हैं। जैसे सपोज करो मेरे गाँव में यहाँ पे अभी मैंने बोला कि 4 लोग लस्सी पीने की वजह से खत्म हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको घुमा फिरा के दिखाया जाएगा, वही 4 लोगों की मौत वजह बता नहीं, तो ऐसा कुछ घुमा फिरा के दिखाया जाएगा ताकि आप उस चीज पे क्लिक करो, उसको देखो, जिसको बोलते हैं क्लिक बेट करना है, एक तरह से जैसे YouTube को पता हुआ आपको क्लिक बेट, मतलब कि गलत थंबनेल बना देते हैं, उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो अंदर कुछ और ही आता है, ठीक है। तो ये जो तरह की 4 हेडलाइंस है, ये मेजर हेडलाइंस होती है। अब नीचे बात करते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर बी, बी में लिखा है सब हेड्स। देखो मैंने ऊपर भी मेंशन किया था सब हेड, हेडिंग के बाद हेडलाइंस के बाद सब हेड्स। सब हेड्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, कह रहा है व्हाइल मेनी एड्स हैव ओनली वन हेडलाइंस, कह रहा है काफी सारी एड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक हेडलाइन रखती है, काफी सारी होती है, मैंने अभी बताया एक हेडलाइन ही रखती है, नीचे सब हेड नहीं डालती, मगर कुछ जो है वो सब हेड्स भी डालती है। यहाँ पे लिखा है बट वन और मोर सेकेंडरी हेडिंग और सब हेड्स आर ऑल्सो कॉमन, कह रहा है काफी सारे जो लोग होते हैं नीचे सेकेंडरी हेडिंग डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं सब हेड, या बोल सकते हो सेकेंडरी हेडिंग होती है, वो थोड़ी हेडिंग से छोटी होती है, मतलब कि उसके फॉन्ट छोटे होते हैं, इस तरह से। आगे लिखा है सब हेड्स आर यूजुअली लॉन्गर देन द हेडलाइंस, जो सब हेड्स होते हैं वो हेडिंग से थोड़े से लंबे होते हैं मगर फॉन्ट में छोटे होते हैं, और जो लिखा जाता है थोड़ा लंबा चौड़ा, क्योंकि उसको सब हेड्स बोलते हैं तो थोड़ा छोटा लिखा जाता है उससे, ठीक है, मेन फोकस हेडिंग पे रहे। आगे लिखा है उसके बाद एंड सर्व्स एज स्टेपिंग स्टोन फ्रॉम द हेडलाइंस ऑन द बॉडी कॉपी, कह रहा है और ये जो है ना एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है, जब कोई भी उसके पास आएगा तो सबसे पहले नजर किस पे पड़ती है, हेडिंग पे पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ना उसको कोई कोई क्या करता है, हेडिंग को ही कॉपी करके नीचे सब टाइटल में भी डाल देता है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कॉपी, ठीक है, ये समझ आ गया। अब नीचे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है थर्ड पार्ट बॉडी कॉपी। मैंने आपको बता ही दिया अभी बॉडी कॉपी होता क्या है, चलो फिर इसमें डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द मेन टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द प्रिंट एड,
इज कॉल्ड द बॉडी कॉपी। यहाँ पे लिखा है जो भी मेन पोर्शन होता है किसी भी हेडलाइन का या किसी भी प्रिंट आउट का, उसको छोटे से टाइटल में डाल देना, ये बॉडी कॉपी कहलाता है। ठीक है, किसी किसी के पास सब हेडिंग नहीं होती तो वो उसी को छोटे में भी डाल देते हैं, और समटाइम्स जस्ट कॉपी, और कभी कभी उसको कॉपी भी कर लेते हैं या कॉपी भी बोल सकते हो आप। द बॉडी कॉपी कंटेन्स द प्लेट स्टोरी एंड इट इज द लॉजिकल कंटिन्यूशन ऑफ द हेडलाइंस एंड सब हेड्स। कह रहा है कभी कभी जो बॉडी कॉपी होती है वो एक तरह से स्टोरी में बना देते हैं वो लोग, काफी ज्यादा कुछ लिख देते हैं नीचे हेडलाइन में वो कॉपी करके बॉडी को। ठीक है, और वो किस लिए लिख देते हैं, ताकि लोगों को उसके लॉजिक को समझने में आसानी हो, लोगों को समझ आ जाए प्रोडक्ट किस चीज के बारे में। डिस्क्रिप्शन सा बना देते हैं पूरी की पूरी बॉडी कॉपी करके, और इसी तरह से लिखा है ऐसे ही हेडलाइंस और सब हेड्स के साथ भी कर देते हैं। अब नीचे बात करते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर डी, विजुअल एलिमेंट्स। देखो विजुअल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा इन सम एड्स द विजुअल पोर्शन इज द इन सम एड्स द विजुअल पोर्शन ऑफ द इज इसेंशली द मैसेज। कह रहा है काफी सारे जो मतलब कि प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम मार्केट से बाय करते हैं, उनके अंदर विजुअल इफेक्ट्स का मतलब होता है विजुअल एलिमेंट्स, उनके अंदर कुछ ऐसे मैसेज डाले जाते हैं जो बंदे को देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये मैसेज अच्छा है। जैसे कि आप मैं एग्जाम्पल दूँ तो जिंदल चाय पत्ती है, जैसे टूडे चाय पत्ती है, और काफी सारी चाय पत्ती आती है। तो चाय पत्ती एक आती है जिसपे लिखा रहता है जागो रे। ठीक है, तो जागो रे क्या है, एक सोशल मैसेज दिया जाता है। तो इस तरह की जो होती है वो सारी सारी क्या होती है, विजुअल इफेक्ट, जो लोगों के दिमाग में इफेक्ट करती है, एक तरह से दूसरी चीज को भी कैंपेन को सपोर्ट करती है। ठीक है, आगे लिखा है इट्स इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस, और ये जो है एक तरह से लोगों के नजरिया जो है अपनी तरफ आकर्षक करती है, एकदम डिटरमाइन कर लेती है कि लोगों को किस तरह के लोग मतलब किस तरह के प्रोडक्ट जो है वो काफी इफेक्टिव लगते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर ई की। पॉइंट नंबर ई में लिखा है मैंने सेल्स लोगोस एंड सिग्नेचर्स। देखो काफी सारे प्रोडक्ट पे अब क्या होता है, सिग्नेचर्स हो सकते हैं, लोगो हो सकते हैं, सील हो सकते हैं, ये सारे के सारे ब्रांड को दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो है ब्रांड को देखकर बेचे जाते हैं, मतलब कि ब्रांड दिखा के कि हमारा इतना अच्छा ब्रांड है और बेचो। ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारे पहले पेन भी आते थे, मार्कर्स आते थे, पेन आते थे, सचिन तेंदुलकर उस पर साइन करे रखता था, बैट्स आते थे जिस पर सचिन तेंदुलकर के साइन होते थे। तो वो साइन किस लिए होते हैं, ताकि लोग उसको जल्दी खरीदें, अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, और इसी तरह से सील, सील मतलब होता है कंपनी की एक मोहर, कंपनी का एक लोगो, जिससे ब्रांड को पहचान मिल जाती है कि ये जो है इस कंपनी का है। ठीक है, यहाँ पे देखा है A seal is the awarded, यहाँ पे लिखा है seal is the awarded when a product meets standard established by the particular agency। कह रहा है एक प्रोडक्ट को जब हम सील लगाते हैं या फिर किसी एजेंसी द्वारा उस पर सील लगा दी जाती है तो उसको क्या मिल जाता है, एक तरह से पर्टिकुलर उसका नेम मिल जाता है, उसको ब्रांड पहचान मिल जाती है उसको। ठीक है, प्रोडक्ट को। उसके बाद लिखा है स्टेब्लिश कब किया गया था, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सच एज ISO 9001 और एनर्जी स्टार एटसेट्रा। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे एनर्जी स्टार एटसेट्रा, तो इसके नाम से ऐसे सील लगाई दी जाती है। ठीक है, और काफी सारे ब्रांड आपने देखे होंगे जिसपे मोहर लगी रहती है, सील लगी रहती है। ठीक है, आपने पहचान भी लिए होंगे, जैसे कि अगर मान लो ISI, ये मार्क आपने काफी ज्यादा देखा होगा, खाने पीने की चीजों पे ISI का मार्क लगा रहता है। ठीक है, अगर आप कोई भी बिस्कुट परचेज कर लो पार्ले CNC, उस पर अलग एक ब्रांड का सील का मोहर लगा होता है। तो ये सारी होती है सील्स। अब बात करेंगे लोगों की और साइड में सिग्नेचर्स की, तो पहले आप इसको उतार लो। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद लोगोज एंड सिग्नेचर। तो मैंने अभी सेल्स के बारे में बताया था, अभी हम लोगोज और सिग्नेचर के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा है लोगोज एंड सिग्नेचर आर स्पेशली डिजाइन फॉर द एडवर्टाइजर ब्रांड एंड प्रोडक्ट। कह रहा है जो लोगो होते हैं ना, जो सिग्नेचर्स होते हैं, वो खासकर स्पेशली जो होते हैं वो एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। लिखा है नेम्स ऑफ एडवर्टाइजर, और ये देखो लोगो जो है ना वो किसके नाम से बनाया जाता है, जो भी एडवर्टाइजर या फिर जो भी ऐड करवा रहा है वो अपने प्रोडक्ट पर अपना नाम डलवाना चाहता है तो उसके नाम से स्पेशल एक लोगो या ऐड बनाई जाती है। ठीक है, लिखा है कंपनी लोगो या फिर कंपनी के नाम से बोल सकते हो एडवर्टाइजिंग कंपनी लोगो इज डिस्टिंक्ट मार्क फॉर द आइडेंटिटीज ब्रांड और द कंपनीज। कह रहे हैं जो लोगो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक डिस्टिंक्ट मार्क होता है, मतलब कि आप पहचान सकते हो उस लोगो से कि ये जो है इस चीज का प्रोडक्ट है या ये बंदा ये जो लेके आया है ये इस कंपनी से लेके आया है। ठीक है, सपोज करते हैं अगर मान लो मैं कोई एग्जाम्पल देके बताऊँ, जैसे आपने किसमी की टॉफी तो खाई होगी। ठीक है, तो किसमी की टॉफी का लोगो जो है ना आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का दो फेस बने रहते हैं ऐसे के, एक व्हाइट होता है एक ब्लैक होता है। तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट अगर लोगो आपको दिखाएंगे तो आप पहचान जाओगे कि
किस कंपनी की टॉफी है, ठीक है। तो ये जो है एक लोगो होता है जिसकी पहचान से इंसान वैसे पहचान जाता है प्रोडक्ट किसका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो नेक्स्ट उसके नीचे मैंने देखो लिखा हुआ है, इसके तीन पॉइंट्स से लिखे हैं मैंने, आपके बुक में कम से कम चार पांच पॉइंट्स थे तो मैंने तीन लिख दिया यहाँ पे। कैप्चर द रीडर अटेंशन, पहला लोगों का मोटिव क्या होता है कि रीडर्स का जो भी उसको सुन रहा है या जो देख रहा है उसका जो अटेंशन है वो उस लोगों पे जाए पहले तो, ठीक है। सेकंड चीज आती है आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, उसके बाद पहचानना कि किस तरह से ये जो लोगो बनाया गया, ये जो लोगो डिजाइन किया गया, ये किस ब्रांड का या किस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। थर्ड आता है शो द प्रोडक्ट इन एक्चुअल यूज सिचुएशन, और उस प्रोडक्ट की एक्चुअल सिचुएशन को दर्शाता है वो लोगो कि इस प्रोडक्ट का मतलब कि मार्केट वैल्यू कितना ज्यादा है या कितना कम है, वो चीज आपको दिखाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की लेआउट। देखो लेआउट क्या होता है, आप कितनी भी सारी चीजें करते हो एडवर्टीजमेंट में उन सबको एक परफेक्ट रूप से लाइन से लगाना, एक फॉर्मेट बनाना, उसका लेआउट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए लेआउट इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ द हेडलाइन सब हेड्स बॉडी कॉपी स्लोगन सील्स लोगो सिग्नेचर एंड द विजुअल एलिमेंट्स इन द एडवर्टाइजिंग। कह रहा है एक एडवर्टाइजिंग में या एक प्रोडक्ट में आपको कौन सी चीज कहाँ लगानी है, कौन सी चीज हाईलाइट होगी, कौन सी चीज बड़ी होगी, स्लोगन कितना लंबा रहने वाला है, ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से होने वाले, पिक्चर कौन सी लगाने वाले हो, ये सारी चीजें जो है ना देखता कौन है हमारा, ये सारी की सारी चीजें हमारा लेआउट देखता है, ठीक है। लेआउट का मतलब ये होता है अगर मान लो आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो कोई भी मेरे को एक पेज प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला तो मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला देवेश, ठीक है, और ये बड़ा बड़ा मैंने डाल दिया। अब उसके नीचे मेरे को ये देखना है यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डालना है, तो अगर हम इसको अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, अगर मान लो मैंने अपने नाम को ही छोटा डाल दिया, और जो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे को ये बताना है कि 5 दिन ना कोरोना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मान लो मेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मेरे को लिखना है 5 दिन कोरोना बढ़ेगा, हाईलाइट करके लोगों को बताना है, और मैंने वही चीज छोटी लिख दी तो लोगों को मैसेज कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा, उनका अटेंशन ही नहीं जाएगा ना उस चीज पे, और मैंने अपने मोबाइल नंबर को बड़ा बड़ा डाल दिया जो कि जरूरत नहीं थी वहां पे। तो देखो इसीलिए हमें लेआउट करना पड़ता है, लेआउट में आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आपका प्रेजेंटेशन ही फर्स्ट अट्रैक्शन बनता है कंज्यूमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा है द आर्टिस्ट ड्रॉ एन एक्चुअल साइज, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं अच्छा सा। आपने यूट्यूब पे काफी सारे सॉन्ग सुने होंगे, थंबनेल देखे होंगे, गाने सुने होंगे, तो उनके थंबनेल में जब आप देखते हो थंबनेल एकदम अट्रैक्टिव सा लगता है तब आप उस पर क्लिक करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से लेआउट को बनाने के लिए डिजाइनर की जरूरत होती है। ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज द रफ लेआउट, पहले एडवर्टाइजमेंट से एक रफ लेआउट बनाया जाता है, मतलब कि नॉर्मली सा लोगों को पसंद आएगा तो उसके बाद वो आगे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे लिखा है डिजाइन प्रिंसिपल। अब देखो डिजाइन प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल का सिद्धांत है एड्स मस्ट बी डिजाइन टू द कैप्चर्ड द रीडर अटेंशन इमीडिएटली। एड्स इसलिए होती है कि एड्स के लेआउट इसलिए होते हैं कि अटेंशन हो जाए, मतलब कि जो भी कंज्यूमर है उसका देखते ही डायरेक्ट अटेंशन के ऊपर जाएगा, एड्स के ऊपर जाएगा, आपके डिजाइन के ऊपर जाएगा। डेरी मिल्क का ब्लू कलर का प्रिंट है, सपोज करो अगर वो ब्लैक में होती तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ब्लू का है तो ब्लू देखते ही एकदम अट्रैक्टिव सा, तो उसकी पन्नी चमकती रहती है तो देखने से अट्रैक्टिव सा आता, मन में आता हाँ डेरी मिल्क की चॉकलेट है, ठीक है, या फिर कोई भी चॉकलेट हो। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है एज द एडवर्टाइजमेंट हैज ओनली ए सेकंड और टू कैप्चर ऑफ द रीडर अटेंशन। कह रहा है एडवर्टाइजमेंट जो भी हम करते हैं, जो भी हम डिजाइन करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि रीडर का अटेंशन पहली या दूसरी बार में उस चीज के ऊपर फोकस हो जाए जिस चीज पे आप अपना दिखाना चाहते हो, जिस चीज को आप बेचना चाहते हो। सपोज करो मैंने एक पेन बनाया और मेरा जो मोटिव है वो पेन को दिखाना है, तो मैं ऐसी पैकिंग करूंगा पेन की या फिर ऐसी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, देखते ही उसके ऊपर ही पेन का सिंबल वो समझ जाए हाँ ये पेन है, ठीक है। ये नहीं कि पेन की पैकेजिंग गलती से पीछे कर दी डिजाइन और आगे आपका नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन आप दिखा रहे हो और कोई इसको देख के समझ ही नहीं पा रहा किस चीज का, उसको फाड़ेंगे तभी पता चलेगा पेन है या नहीं है। तो ये होता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के बाद नेक्स्ट आता है नीचे एफ पॉइंट, यूजिंग कलर। देखो यूजिंग कलर काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है एड्स के अंदर। पुराने जमाने में जब एड्स आती थी तो वो ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, आपको भी पता होगा, और जब से ये कलर टीवी चले हैं या कलर का सिस्टम चला है तो आपने भी देखा होगा कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कलर के साथ। अभी आप मेरे को देख रहे हो, अभी मेरे यहाँ पे कलर दिख रहे हो, ये व्हाइट है, मेरी शक्ल येलो सी है थोड़ी, ये पिंक है और बोर्ड है और ये गेट ब्राउन है, तो कलर की वजह से ना क्या होता है हर विजुअलाइज जो होता है ना वो इफेक्टिव लगता है, थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। बिना कलर के सब ब्लैक एंड व्हाइट
बैठ तो मजा नहीं आता। तो यहाँ पे इसी तरह से लिखा है, कलर इज द अनदर एलिमेंट ऑफ लेआउट, लेआउट का अनदर एलिमेंट होता है कलर, एंड कैन बी यूज्ड बाय द विद इंपैक्ट, और ये जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है किसी भी चीज को। मान लो डेरी मिल्क का आपने देखा हुआ है ब्लू कलर का एकदम प्यारा सा क्यूट सा कलर होता है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर दे तो कैसे लगेगी, पुराने जमाने की चॉकलेट है, बेकार सी लगेगी, कोई खरीदेगा नहीं, अट्रैक्टिव बनाओ ना उसे, उसके लिए कलर करते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, कलर एड्स अटेंशन कैप्चरिंग वैल्यू ऑफ द एड्स, कह रहा है जितने भी कलरिंग एड है ना ये क्या होती है एकदम अटेंशन कैप्चर करने वाली एड होती है इंसान का, ठीक है। सेकेंड आ रहा है, कलर कैन एड्स ए सेंस ऑफ रियलिज्म एंड एटमोसफेयर, कह रहा है ये एकदम रियलिज्म होती है मतलब कि असली जैसी दिखती है और लोगों को ना अट्रैक्ट जल्दी से जल्दी कर पाती है, ठीक है। देन किसके, ब्लैक एंड व्हाइट एड्स के, ठीक है। आगे लिखा है, कलर इंपैक्ट इज ए फीलिंग ऑफ प्रेस्टीज, कह रहा है कलर एलिमेंट है ना एकदम प्रेस्टीज होता है मतलब कि मान सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है, किसकी, कंपनी की, ब्रांड की, उसकी वैल्यू की, ठीक है उसको, एंड क्वालिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी को बढ़ा देता है। उसके नीचे बात करते हैं पॉइंट्स के, वीडियो एलिमेंट्स, देखो वीडियो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर सीन इन द टेलीविजन स्क्रीन, जितने भी ऐसे एडवर्टीजमेंट है या जो भी एड्स हैं जिनको भी हम टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, इट इज द इम्पोर्टेंट दैट द विजुअल एलिमेंट्स, उसमें आप काफी सारे विजुअल एलिमेंट्स भर भर के देखते होंगे। सपोज करो एक कार की एड देख रहे हो, कार की एड में साइड में चीता दौड़ रहा है, उसके विजुअल इफेक्ट कर रखा है। अमूल की एड में आप देख रहे हो बच्चे यहाँ पे अमूल दूध पी रहे हैं, साइड में एक छोटा सा कार्टून चलता हुआ आ रहा है, अमूल दूध की एड कर रहा है वो भी, तो वो क्या होता है विजुअल इफेक्ट होता है जो टीवी स्क्रीन पे हमें दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सक्सेसफुली इन द अट्रैक्टिंग एंड द व्यूअर्स अटेंशन, कह रहा है ये जो है ना एकदम अट्रैक्टिंग बनाया जाता है और व्यूअर्स के अटेंशन को कैप्चर करने के लिए विजुअल इफेक्ट उसमें डाले जाते हैं। आगे लिखा है ऑडियो एलिमेंट्स, देखो ऑडियो एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी आप ऐड कर रहे हो, एक ऐड होती है कि आप बिना किसी चीज के वॉइस के समझ जाते हो, एक ऐड होती है जिसको आपको थोड़ा बोलोगे तो लोगों को अट्रैक्ट होते हैं, लोग उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा द ऑडियो प्रोशन ऑफ द कमर्शियल इंक्लूड्स वॉइस म्यूजिक साउंड इफेक्ट, कह रहा है ऑडियो में कैसे कैसे, जैसे कि वॉइस हो सकती है किसी की, म्यूजिक हो सकता है या साउंड इफेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं करोगे जब तक मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। और अभी आप मेरी वीडियो जैसे देख रहे हो और ये सारा मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने लिख रखा है बोर्ड पे मगर मैं समझा रहा हूँ, फिर भी अगर मैं इसको बोर्ड पे लिख दूँ और खड़ा हो जाऊँ एक साइड ऐसे कुछ भी ना बोलूँ तो आपको क्या लगेगा, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं बिल्कुल भी, और अगर मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से आप सुन रहे हो तो वो एकदम अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, आप सुन के सारा समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं साउंड। साउंड हर चीज में यहाँ पे जरूरी होता है। इसके बाद थोड़े से पॉइंट और रह गए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना जैसे मैंने भी बताया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखवाता हूं, अभी इसको उतारो आप, मित्र मैंने जो बताया था आपने उतार लिया होगा। तो उसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सीखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो एडवर्टीजमेंट टीवी पे आती है और जो एडवर्टीजमेंट रेडियो से आती है, वो दोनों में कैसे अलग अलग होती है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, किस तरह से शूट किया जाता है, वो सारी चीज यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं टेलीविजन कमर्शियल की। देखो यहाँ पे लिखा है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन कमर्शियल, टेलीविजन कमर्शियल की अगर आप प्लानिंग करते हो, उसको नियम बनाते हो किस तरह से शूट करनी है और प्रोडक्शन कैसे होती है, टेलीविजन के ऊपर अगर कोई भी एड बनती है तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो पहली चीज यहाँ पे आती है प्री प्रोडक्शन फेस। प्री प्रोडक्शन फेस वो फेस होता है जब आप एडवर्टीजमेंट शूट करने से पहले जो जो चीजें आप प्लानिंग करते हो वो सारी आती है प्री प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है ऑल द एक्टिविटी अंडरटेक बिफोर द एक्चुअल शूटिंग और रिकॉर्डिंग द कमर्शियल, अगर किसी भी शूटिंग को या किसी भी कमर्शियल एड को शूट करने से पहले जो भी चीज आप करते हो, जिस भी ऑक्यूमेंट्स का या जिस भी ट्रूप्स का आप इस्तेमाल करते हो, वो सारी इसमें आती है, ठीक है। यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखे हैं सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले आपको डायरेक्टर का सिलेक्शन करना पड़ता है, डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेट कंस्ट्रक्शन, जिस भी जगह पर आपको ऐड बनानी है जैसा सेट होना चाहिए, मान लो आपको टीवी पे कोई साबुन शॉप की ऐड बनानी है तो कमरे में हो जाएगी तो कमरा उसके लिए सेट करना होता है, तो सेट करना होता है सेट पहले, ठीक है। उसके बाद लिखा होता है लोकेशन डिसाइड करनी होती है, कॉस्टिंग आपका बजट कितने का एडवर्टीजमेंट पे टीवी पे अगर आपको ऐड करवानी है। उसके बाद आता है एजेंसी एंड क्लाइंट अप्रूवल, आपको एजेंसीज और क्लाइंट्स का अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे लिखा प्री प्रोडक्शन मीटिंग एक्सेट्रा, और फिर आपको प्री प्रोडक्शन की एक मीटिंग बिठानी पड़ती है, मीटिंग होती है कि ऐड कैसे कैसे सूट होगी उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जब वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद अब आती है वो डेट जिस पे आपकी ऐड शूट होनी है, यहाँ पे मतलब कि प्रोडक्शन फेस। अब ये वो फेस है जहां पर प्रेजेंट में आपकी एड शूट होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है पीरियड ड्यूरिंग विच फिल्मिंग एंड वीडियो
टेपिंग ऑन द कमर्शियल इज डन, इस जगह पर आपकी एड होने स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपने सिर्फ प्लान किया था, अब एड होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या क्या चीज होती है, लोकेशन ऑन सेट शूट्स। अब आपको लोकेशन जो आपने फाइनल कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसके शूट्स लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके अलग अलग तरह से शूट्स लिए जाएंगे, उसके शॉट लिए जाते हैं अच्छे अच्छे जो भी आपको एड में दिखाने हैं। सेकेंड आता है टैलेंट अरेंजमेंट। आपको यहाँ पर टैलेंट अरेंजमेंट से मतलब होता है कि काफ़ी सारे एक्ट्रेस होते हैं, काफ़ी सारे को एक्ट्रेस होते हैं, उनको किस जगह पर रखना है, किसको किस जगह पर रखना है, वो सारा अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता है एड बनाते टाइम, ठीक है। अब लास्ट प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन है पोस्ट प्रोडक्शन फेज। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में मतलब एड आपकी बन के तैयार हो गई है, अब वो रिलीज के लिए तैयार हो गई है, वो आगे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज अंडरटेक आफ्टर द कमर्शियल हैज बीन फिल्म्ड एंड रिकॉर्डेड। जब हमारी एड बन जाती है, रिकॉर्डेड हो जाती है, तब उसके बाद जो फेज आता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन फेज कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारी एड बन गई है, हमने सीन्स ले लिए, अब उसके बाद आएगी एडिटिंग। एक डिजाइनर या एक एडिटिंग ग्राफर होगा जो आपकी एडिटिंग करता है, एड कौन कौन से सीन सिलेक्ट करने हैं, कलर इफेक्ट कितना डालना है, ठीक है, उसमें बाकी सारी चीजें। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, एडिटिंग हो गई, अब प्रोसेसिंग होगी, उसको चेकआउट किया जाएगा एड सही बनी है या नहीं बनी है। फिर मिक्सिंग ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो और वीडियो को मिक्स करा जाएगा कि किसकी ऑडियो फाइनली कैसी आनी है, किसकी ऑडियो कैसी आनी है, किसकी ऑडियो खराब है एक्टर की, तो उसको डबिंग ऑडियो दी जाती है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद फोर्थ, क्लाइंट एंड एजेंसी अप्रूव्ड टू रिलीज। क्या है, क्लाइंट और एजेंसी से अप्रूव्ड करवाई जाती है एड दिखा के कि ये जो एड है क्या ये लॉन्च कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, और फाइनली आपको ऐड क्या होती है, लास्ट में रिलीज हो जाती है, आपकी ऐड बन जाती है। तो ये सारा का सारा ड्रामा जो भी मैंने बताया, ये सारा होता है टीवी कमर्शियल एड्स का, किसका, टेलीविजन पे जो आप ऐड देखते हो उसका। अब नीचे बात करेंगे रेडियो कमर्शियल एड्स क्या क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्रिएटिंग रेडियो कमर्शियल्स। अगर आपको रेडियो पे ऐड बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसमें आपको शक्ल नहीं दिखानी होती, बस अपनी वॉइस देनी है, आवाज देनी है, और थोड़ी सी एडिटिंग की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रेडियो एडवर्टाइजिंग इज द डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। यहाँ पे लिखा डिफिकल्ट बिकॉज अनलाइक प्रिंट एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग इट कैन नॉट यूज विजुअल। कह रहा है ये जो एड है ये काफी डिफिकल्ट होती है इसके मुकाबले, यहाँ पर आप कोई विजुअल इफेक्ट नहीं डालते, आपको बस अपनी वॉइस से अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद लिखा है अट्रैक्टिंग एंड कैपेजिंग द ऑडियंस। कह रहा है अट्रैक्टिंग और कैप्चर करना होता है अपनी ऑडियंस को, किस तरह से आप अपनी टीवी के माध्यम से जैसे करते हो तो रेडियो के माध्यम से कैसे करनी है। आगे लिखा है इट रिक्वायर्स अवेकिंग इमेजेस इन द लिसनर माइंड इन द यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक। अगर आप इस एड को देखते हो तो आप एड को देखकर ही, उसके आवाज को देखकर ही अपने दिमाग में एक विजुअल इमेज को क्रिएट कर लेते हो। सपोज करो आप कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है, गाने में लिखा है मैं रो दूंगा, तो आप इस समय दिमाग में सोच रहे होंगे कि रोने वाली एक इमेज आपके दिमाग में एक तरह से प्रेजेंट हो जाती है, तो यहाँ पर वैसी इमेज बनाई जाती है, ठीक है, जानबूझकर ऐसी एड बनाई जाती है ताकि लोगों के दिमाग में उस तरह के चित्र निखर के आए, ठीक है। आगे यहाँ पर वॉइस, यहाँ पे लास्ट आपका है यहाँ पे साउंड म्यूजिक एंड वॉइस। इस एड में सिर्फ साउंड म्यूजिक एंड वॉइस का काम होता है और किसी चीज का काम नहीं होता, कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होता। और इसके अंदर क्या क्या जरूरत पड़ती है, पहला पॉइंट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये शॉर्ट एंड सिंपल होती है, आसान होती है बिल्कुल। उसके बाद लिखा है मेंटेन क्लैरिटी, क्लैरिटी मेंटेन करनी होती है क्योंकि आप जो चीज बोल रहे हो आपकी ऑडियंस जो सुन रही है उसको एकदम क्लियर मैसेज मिलना चाहिए, आप किस चीज की ऐड कर रहे हो, बता किसके रहे हो। क्योंकि देखो विजुअल वाले में क्या होता है, टीवी वाले में आप देख भी लेते हो, मान लो आप कभी क्लियर नहीं बोल रहे, आप चित्र को देख के भी समझ जाते हो हाँ ये साबुन बेच रहा है, ऐसे कर रखा है तो साबुन है या सोप है, मगर यहाँ पर आप देख नहीं सकते इसलिए आपको क्लियर बताना पड़ता है, ठीक है, आप किस चीज की ऐड करते हो। क्रिएट रैपिड, देखो यहाँ पर लिखा है क्रिएट रैपिड, रैपिड का मतलब क्या होता है, इस तरह का फॉर्मलाइजेशन बनाना या इस तरह के एडवर्टीजमेंट बनाना लोगों को इंटरेस्टिंग सा आ जाए, मजा सा आ जाए देखने में, ठीक है। उसके बाद लिखा है मेक इट बिलीवेबल, और ऐसी एड बनाना कि लोगों को बिलीव हो जाए। काफी सारी एड्स आपने देखी होगी जिसमें बोलते हैं कि रामा तुम ये खरीदना चाहते हो, ये बहुत फेमस राम मशहूरी तेल है, तो दूसरा बोलता है कैरेक्टर वहां पे हाँ ये तेल तो मैं जरूर यूज करूंगा, तो देखो यहाँ पर वो जो तेल बार बार उन्होंने बोला तो उसकी ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों को समझ आ जाता है, बिलीव हो जाता है कि ये तेल काफी अट्रैक्टिव है, तो वो बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं आपके ऑडियंस। तो यहाँ पर ये थी कॉमर्शियल एड जो रेडियो में होती है, ये कॉमर्शियल एड टेलीविजन पे होती है, दोनों एड्स मैंने आपको बता दी, और इसी जगह पर आपका चैप्टर नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और मेरी सारी वीडियोज का लिंक, चैप्टर वाइज वीडियो का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर लो, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स रेडी हो गए,
नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर भी यहाँ पे दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करो, नोट्स परचेज कर सकते हो, इजी हैंड रिटन सुटेबल नोट्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अभी के लिए इतना ही, सी यू, टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।